Welcome students, here is Rahul from San Valley School. In this learning session, we are going to discuss JNB, 30 September 8 of JNB entrance examination means Jawahar Navodaya Vidyalaya Pravesh Pariksha. Especially set ke hum math portion ko yahan pe check karenge. Math se jo related problems hote hain unke concept ko hum yahan pe clear karte hue jo bhi questions hai, jo bhi difficulties hai, इस वीडियो के थ्रू हम यहाँ पे उसको क्लियर करेंगे. ओके, तो चलिए आपका क्लास स्टार्ट करते हैं. आपका 1 to 41 to 60 इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं. उन 20 क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन चेक करते हैं. फर्स्टली यस बेटा, देखिए इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जब माइनस वन को माइनस वन से 38 टाइम्स यानी 38 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है. यहाँ पे इन्होंने बताया जब माइनस वन को माइनस वन से 38 टाइम्स यानी माइनस एक और माइनस एक को 38 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है. इसके लिए हमने बताया था, आप देखो माइनस वन को क्या करना है, माइनस वन को आप अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन, 2 टाइम ओनली मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता, प्लस. 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है, यानी प्लस वन आ जाएगा. सही है, ऐसे अगर इवन ऑड टाइम मल्टीप्लाई करें मीन्स 3 टाइम करते, माइनस वन को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन, 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आंसर, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 1 जा 1 1 जा 1, यानी एक का कितनी भी बार गुणा किया जाए एक ही आएगा. तो कुल मिला के यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस वन. क्या आ जाएगा, माइनस वन. एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर हम इवेंट टाइम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वन का तो प्लस वन आएगा, और ऑड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन आएगा. अब हमें कितनी बार गुणा करना है माइनस वन को माइनस वन से, 38 टाइम यानी इवेंट टाइम करना है तो क्या आंसर आएगा, प्लस वन. माइनस वन का माइनस वन से करें तो वन ही आएगा, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कैसा वन आएगा, माइनस का वन आएगा या प्लस का वन आएगा. तो आपका आंसर 38 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस वन आएगा. ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 42 की. ओके, पॉइंट नंबर 42 में जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या दिया गया आपका, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, ये ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट क्लोज किया गया, प्लस 7 का मान है. अब देखो इसमें करना क्या है, आप सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट यानी सबसे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, सबसे पहले सबसे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. तो सबसे छोटा क्वेश्चन इसमें है कौन सा, ये वाला आपका सबसे छोटा क्वेश्चन किसमें अगर बात किया जाए कौन सा है, ये जिसमें स्टेटमेंट क्या है, 6 डिवाइड बाई 2. स्टेटमेंट क्या दिया गया है, 6 डिवाइड बाई 2. ठीक है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है, सॉरी ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 7. चलिए इसी को कॉपी कर लेते हैं, सेम है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई मिडिल ब्रैकेट का यूज किया गया है, 3 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 यानी 6 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 3 6 3 ही आएगा ना, और ये आपका स्मॉल ब्रैकेट हट गया यानी मिडिल ब्रैकेट आ गया, प्लस 7, देन क्या करेंगे इस लाल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे. ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये कौन सा स्टेप, फर्स्ट स्टेप. अब सेकेंड स्टेप की बात कर लें, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, सेकेंड स्टेप में आपको मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा यानी मझले ब्रैकेट को, मझले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या दिया गया, 3 माइनस 3 यानी 0. 3 माइनस 3 क्या राइट करेंगे, 0. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3 इक्वल हुआ 0. क्या जाएगा, 0. और यहाँ पे प्लस क्या दिया गया है, 7 और ये लार्ज ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा.
अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया आपका लार्ज ब्रैकेट में देखिए ये 2 × 0 जीरो हो जाएगा, ये 2 × 0 क्या हो जाएगा जीरो, और ये प्लस का 7 और प्लस का 3 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 10, यानी यहां से नेक्स्ट स्टेप में आएगा 2 × 10 इज इक्वल टू क्या आएगा 20। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है, पॉइंट नंबर बी आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है आप देख पा रहे हो पॉइंट नंबर बी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 43 की, क्वेश्चन नंबर 43 का जो स्टेटमेंट है बेटा ये एक एडिशन प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली है क्या, ये एडिशन प्रॉब्लम है, डेसिमल का एडिशन प्रॉब्लम है, थोड़ा सा माइंड का यूज करते हुए कर देना, बहुत ही इजी, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत ज्यादा सोचा जाए, क्योंकि आपको पॉइंट को ध्यान में रखते हुए करेंगे, यानी दशमलवों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, 444 यहाँ पे दिया गया ना 444, तो इसी को राइट कर लीजिए। चलिए 444 को राइट करना है, आप 444 यानी 444 राइट कर लेंगे, प्लस क्या करना है इसमें, इसमें प्लस करना है 44.4, ये प्लस करेंगे 44.4। चलिए आगे क्या करना है इसमें 4.04, ये प्लस करना है 4.04 प्लस कर लेंगे 4.04, और क्या करना है इसमें, और क्या करना है भाई 4.44, ये ऐड करेंगे 4.44 प्लस क्या ऐड करना 4, इसमें 4 यानी यहाँ पे प्लस 4 और राइट कर लेंगे, यहाँ पॉइंट लगा के 0-0 कर देंगे, जहां कुछ नहीं है वहां पे पॉइंट लगा के 0-0 कर देंगे, ठीक है। अब ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, ऐसे 4 × 4 = 8, दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव ही लगा देते हैं, 4 × 4 = 8 यानी कितने बार 4 आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 4 × 5 = 0 और कितना हाथ आएगा, मतलब कितना हाथ हिलाएगा 2, यानी कितना होगा 2 ही होगा, 4 × 4 = 8 और 8 और 2 = 10 और 4 और 1 = 5 यानी कुल मिला के 500.88, मतलब 500.88। क्या कोई ऐसा आंसर है, नहीं इसमें से कोई नहीं, आप देख पा रहे जितने भी ऑप्शन दिए ए बी सी डी इनमें से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नो, तो इट मींस पॉइंट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, व्हिच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 44 है क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, इसमें दिया गया है 0.4 का 5% है, बहुत ही आसान है 0.4 का 5% निकालना है, तो क्या करोगे आप डायरेक्टली ऐसे कर लेते, परसेंटेज निकालना है किसका 0.4 का 5%। अब क्या करोगे 0.4 ऐसे राइट कर लेंगे 0.4 × कॉमन क्या होता है गुणा होता है, और 5% मतलब 5/100 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप इस 0.4 का 5 से गुणा कर दो, 0.4 का 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो 0.4 का 5 से गुणा करने पर आएगा क्या, 0.4 का 5 से गुणा करेंगे 5×20, एक अंक के बाद 0.5 लगा देंगे, यानी 5×20 2.0 आ जाएगा और बटे में कितना 100, यानी 2/100 क्या होगा 2/100 इसके इक्वल टू चल रहा है भाई, 2/100 हो गया। अब 2/100 को लिख सकते हो 0.02, क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है 0.02, हाँ पॉइंट नंबर सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, कौन सा पॉइंट नंबर सी आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है 0.02। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 45 की बात कर ले, इसमें क्या दिया गया है, इसमें जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं, जनरली आप बता सकते हो सर 52 सप्ताह होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं भाई 52 सप्ताह होते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे 365 को 7 से भाग दे देंगे, आपका जो क्वेश्चन आएगा यानी भागफल आएगा वो 52 ही आएगा, ठीक है 365 को 7 से भाग दे देना
तो 52 ही आ जाएगा। यानी साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं, ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 46 में इन्होंने कहा एक ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 46 है, एक ट्रेन जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर दूसरी ट्रेन को, यहां पे कह रहे हैं एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर दूसरी ट्रेन को जो 300 मीटर लंबी है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में चल रही है 2 मिनट में पार करती है, पहली गाड़ी की लंबाई है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहली गाड़ी की लंबाई हमें निकालना है जबकि दूसरी गाड़ी की लंबाई दी गई है यहां पे कितनी, 300 मीटर, और इन दोनों की गति भी बताई गई है। एक पहली ट्रेन है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दोनों ही ट्रेनें किस एक दूसरे की मतलब एक ही दिशा में देखा गया है, यहाँ से बताया गया है कि वो दोनों ही ट्रेनें किस दिशा में, एक ही दिशा में गति कर रही है, उसी दिशा में चली जा रही है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन कैसे करते हैं यहाँ पे चलिए देखते हैं। देखिए दो ट्रेनों की बात की गई, जो दोनों ट्रेनें हैं एक ही गति में गति कर रही, एक ही दिशा में गति कर रही है दोनों ट्रेनें। मान लेते हैं ये पहली ट्रेन है, ठीक है, ये पहली ट्रेन है जिसकी लंबाई हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं लंबाई कितनी होगी इस ट्रेन की, x होगी। लेट कर लेते हैं इस ट्रेन की लंबाई क्या होगी, कितनी होगी, x होगी। पहली ट्रेन है ये, क्या है भाई कोई पूछता है क्या होगा, तो पहली ट्रेन है ये आपका, पहली ट्रेन हो गया। अब बात आती है दूसरी ट्रेन जो इसी दिशा में गति कर रही है, दूसरी ट्रेन है जो इसी दिशा में गति कर रही है, इसकी लंबाई इन्होंने बताया कितनी है, लंबाई इसकी इन्होंने बताया 300 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई, हाँ 300 मीटर। अब एक बात, पहली ट्रेन मतलब कौन से गति से चाल, सॉरी कौन से गति से गति कर रही है, तो इसकी गति दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा पहली ट्रेन की चाल है। दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है भाई, दूसरी ट्रेन की चाल की बात करें तो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे है दूसरी ट्रेन की चाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये पॉइंट आपका क्लियर है, हमें क्या बताना है, इस पहली ट्रेन की लंबाई बतानी है जो x है, पहली ट्रेन की लंबाई x है जिसे हमें निकालना है। एक चीज और, ये पहली ट्रेन इस दूसरी ट्रेन को कितने मिनट में क्रॉस कर लेती है, समय भी दिया गया है 2 मिनट में क्रॉस करती है, यानी समय दिया गया है यहाँ पे, टाइम की बात कर ले तो टाइम इक्वल टू दिया गया है 2 मिनट, क्या 2 मिनट में ये है जो ट्रेन, वो पहली ट्रेन दूसरी को क्रॉस करती है। अब बात आती है, देखो पहली ट्रेन दूसरी को 2 मिनट में क्रॉस कर जाती है, तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए सापेक्षिक चाल का यूज करेंगे। कौन से चाल का, सापेक्षिक चाल, यानी पहली ट्रेन की दूसरे ट्रेन के सापेक्ष चाल क्या थी, अलग अलग चाल तो पता है लेकिन सापेक्ष चाल की बात करो, यानी पहली ट्रेन की दूसरे ट्रेन के सापेक्ष चाल। देखिए पहले ट्रेन की दूसरे ट्रेन के सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में गति कर रही है, तो आप जानते हो ज्यादा वाले में से क्या करते हैं, कम वाले को घटा देते हैं सापेक्ष चाल निकालने के लिए। तो ज्यादा किसकी है, पहली ट्रेन की, जाहिर सी बात है दूसरे को क्रॉस कर रही तो ज्यादा इसी की होगी, और 90 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी थी, इसमें से दूसरे वाले ट्रेन की चाल माइनस हो जाएगी, तब ये जो दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति हैं इस ट्रेन को अपनी ओर कितनी किस स्पीड से आते हुए देखेंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते हुए देखेंगे। कौन से स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये इसमें बैठे व्यक्ति जो है, दूसरी ट्रेन में बैठे लोग इस ट्रेन को अपनी ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते हुए देखेंगे, वो ऐसा फील करेंगे वो रेस्ट पे है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, सापेक्षिक चाल की बात की जा रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये सापेक्षिक चाल आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चाल पता चल गई सापेक्षिक, कुल चली गई दूरी निकालते हैं। आप जानते हो अगर इस ट्रेन को, पहली ट्रेन को दूसरे को क्रॉस करना है, तो इसके द्वारा कुल चली गई दूरी इसकी खुद की लंबाई प्लस इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई तय करनी पड़ेगी, तब ये इस ट्रेन को क्रॉस कर पाएगा दूसरी ट्रेन को, ठीक है। तो कुल चली गई दूरी की बात कर लें, कुल चली गई दूरी की बात करें पहली ट्रेन द्वारा
पहली ट्रेन द्वारा दूसरे ट्रेन को पार करने के लिए कुल चली गई दूरी की बात कर लेते हैं। अब देखो कुल चली गई दूरी निकालना भाई, तो कुल चली गई दूरी कैसे निकलेगी, इसकी 100 और इसकी 300 मीटर लंबाई है, यानी दोनों की लंबाइयां जितनी वही जोड़ लो, कुल चली गई दूरी हो जाएगी पहली ट्रेन द्वारा, ये 300 प्लस x ये मीटर में आ जाएगा, 300 प्लस x मीटर कुल चली गई दूरी। बातें क्लियर है? पहली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए चली गई कुल दूरी हो जाएगी 300 प्लस x मीटर। अब बात आती है 300 प्लस x मीटर हो गया, अब बात आती है किस क्या करना आपको भाई, क्या करना है, समय भी पता है, दूरी भी पता है, चाल भी पता है, हम जानते हैं फार्मूला, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुड़े समय, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुड़े समय। लंबाई तो निकालनी है दूसरी ट्रेन की, तो दूरी दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे, दूरी बराबर चाल गुड़े समय। तो दूरी कितना भाई, दूरी इसमें आपका दिया गया है, दूरी कितना दिया गया है, कुल चली गई दूरी है 300 प्लस x। चलिए इस इक्वल टू क्या राइट करेंगे, चाल कितनी है, चाल एक चीज, हाँ चाल यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दी गई है। पहले आप क्या करोगे, इस सापेक्षिक चाल को जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 30 गुणे 5/18 ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, 30 × 5/18 मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 6 से कट कर दें, 6 × 5 = 40, 6 × 3 = 18, यानी 6 × 5 = 23, 6 × 18 = 25/3 कितना आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। ये आ गया सापेक्षिक चाल मीटर पर सेकंड में, ठीक है, सापेक्षिक चाल मीटर पर सेकंड में 25/3। आप चलो रख देते हैं चाल, क्योंकि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आपका डिस्टेंस किसमें था, मीटर यूनिट में था, टाइम आपका दिया गया 2 मिनट, उसको भी हम सेकंड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 2 मिनट = 120 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, बिकॉज 1 मिनट में 7 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। आप सब कुछ सही है, चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी इतनी, चाल कितनी, चाल दिया गया था यहाँ पे 25/3 मीटर पर सेकंड, समय कितना लिया इन्होंने 120 सेकंड का समय देते हैं क्रॉस, यानी पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में 120 सेकंड का समय देती है। चलिए 3 × 3 = 3, 3 × 4 = 12, आप क्या करेंगे सॉल्व करना है, 2500 का 100 यानी यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, तीन एकम तीन, 3 × 3 = 12, 40 आ गया इधर, और 2500 का 100 यानी 1000 को मिला के 300 प्लस x बराबर का 1000 चल रहा है, 1000 चल रहा है। अब क्या करेंगे भाई, इसी को इंप्लाई दैट अगर लिखना चाहते हैं तो x बराबर अगर कोई लिखना चाहता तो 1000 माइनस का क्या, 1000 माइनस का ये 300 उधर चला जाएगा, तो माइनस में 300 यानी कुल मिला के 700 ये मीटर लंबाई आ गई, जिसकी x हमने क्या माना था, पहली ट्रेन की लंबाई, यानी 700 मीटर है, पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है 700 मीटर। ओके आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, आपने किया कैसे इसको, चलिए मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ पॉइंट कैसे, ये आपका यहाँ पे किया गया था पहली ट्रेन की लंबाई, इन्होंने कहा था देखिए पहली ट्रेन की लंबाई इसमें दी गई है, नहीं दी गई थी, हमने मान लिया x कितनी है x, और इसकी चाल दी गई थी 90 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी ट्रेन की लंबाई दी गई है 300 मीटर, चाल कितनी दी गई थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे, एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें चल रही हैं, है ना, और जो पहली ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में 2 मिनट का समय लेती है, यानी 120 सेकंड का समय। चलो हमने क्या किया, पहली ट्रेन की जो दूसरे ट्रेन के सापेक्ष चाल निकाल लिया, यानी ये वास्तव में जो इसमें बैठे व्यक्ति, यानी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति इस ट्रेन को अपनी ओर किस गति से आते हुए फील करेंगे देखेंगे, तो 90 - 60 यानी इनकी जो चाल है वो घट जाएगी 60 किलोमीटर, 90 में से 60 घटा देंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये इसमें दूसरी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति इस ट्रेन को अपनी ओर आते हुए देखेंगे। अब सापेक्षिक चाल निकल गया,
अब हम क्या निकालेंगे, दूसरी बात, अब हम ये निकालेंगे इस ट्रेन ने यानी पहली ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कुल कितनी दूरी चली। तो कुल दूरी चलने के लिए इसकी भी लंबाई तय करनी पड़ेगी और अपनी खुद की लंबाई भी सही करनी पड़ेगी इसको, ठीक है। तो पहली ट्रेन द्वारा दूसरे ट्रेन को पार करने के लिए कुल चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 300 प्लस x, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी हमने मान लिया था x, 300 प्लस x मीटर दूरी निकल गई। चाल पता चल गया 30 किलोमीटर पर घंटा, जिसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करके किया, क्योंकि हमने देखा था हमारी दूरी कितनी है, किस यूनिट में है, मीटर यूनिट में, और समय किसमें है, सेकंड में। तो हमने भी क्या किया, चाल को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अब इतनी आगे बात, अब फिर वही जनरल फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुणे समय, सब चीजें यहाँ पे पता है। दूरी कितनी, 300 प्लस x, चाल कितनी, 25/3 चाल हो गई, और समय कितना, 120 सेकंड। अब सॉल्व किया गया यहाँ पे, 3 × 3 = 3, 3 × 12 = 40, 25 × 100 यानी 1000, कुल मिला के 300 प्लस x बराबर 1000, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आया आपका 1000 माइनस का 300 यानी 700 मीटर, ये आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। क्या दूसरी ट्रेन की, सॉरी पहली ट्रेन की लंबाई 700 मीटर दी गई है, ऑप्शन में हम चेक करते हैं, ओके। हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली आपका मैच कर रहा है, यहाँ पे 700 मीटर ही दिया गया, इट मीन ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। Yes. तो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 47 की, जिसमें क्या गिवन है, इसमें दिया गया है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है, 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्ट क्या दिया गया, रेलगाड़ी की चाल दी गई है 1 किलोमीटर प्रति घंटे में, दूरी इसके द्वारा तय की गई है 350 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है वो, तो सारी सब चीजें यूनिट भी सेम है, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दी गई और दूरी भी किलोमीटर में दी गई है, आपको चाल ही समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, आप जानते हो ना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम समय निकाल लेंगे, यानी कितने समय में वो 350 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना, 350 किलोमीटर की दूरी है, चाल इसकी कितनी, चाल यहाँ पे दी गई है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है ट्रेन, ठीक है, तो यहाँ 75 किलोमीटर प्रति घंटे लिख देते हैं। आप क्या करेंगे, किलोमीटर किलोमीटर का आंसर, ये आवर आपका यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं जो भी समय आएगा घंटे में आएगा, ठीक है, 75 × 75 या आप 5 से कट कर दो ना, 5 से कट कर देते हैं, 25 से कट कर देते, 25 ठीक है, 25 × 75 और इसको 25 से कट करते हैं, तो 25 × 25 भाई और 10 बचेगा यहाँ ना, 10 आपका जाएगा जीरो के साथ, क्या बता बना लेगा 100, तो 100 × 25 = 100 मिला के 14/3 घंटे आ गए, 14/3 यानी 14/3 आवर। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा, नहीं अभी हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। चलिए इसको हम घंटे और मिनट में चेंज करते हैं, घंटे और मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3 से इसको भाग देते हैं, 3 से भाग दे देने पर क्या आ जाएगा, 3 से भाग देने पर 14 को आ जाएगा, यहाँ पे ना करके हम कहीं और कर ले रहे हैं, चलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है, यही कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीन से 14 को भाग दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भाग देने पर क्या आ जाएगा, 3 × 12 यानी यहाँ जो भागफल आएगा वो तो घंटे में होगा। अब शेषफल की बात कर ले, 3 × 12 यानी ये शेषफल फ्रैक्शन में आ जाएगा, चलो लाके इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता था ऐसे, 4 hour + 2/3 hour, ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे तो लिख सकते थे, यानी कि आप सम्मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 घंटे 2/3 और घंटे बच रहे इसमें, तो इस घंटे को क्या करेंगे, मिनट में चेंज कर देंगे, बस घंटे को मिनट में चेंज कर देंगे, मिनट में यहाँ पे चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुणा कर देते हैं, ये 60 से गुणा करने पे मिनट में हो जाएगा। चलिए 3 × 3 = 20, 3 × 3 = 6 यानी 20 आ जाएगा, 20 × 60 होता है, और 20 × 40 कुल मिला के 4 घंटे 40 मिनट, 4 घंटे 40 मिनट, बात क्लियर हो गई होगी। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्टली मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या दिया गया, 500 सेंटीमीटर प्लस
50 मीटर यानी 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर है। ये यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है, हमें सबको किस में करना है, मीटर में करना है। यहाँ ऑप्शन जो दिए गए हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो मीटर में करना है। तो चलिए आपको तो पता है ना कैसे करेंगे, इसमें करने के लिए आपको क्या, देखो 500 सेंटीमीटर दिया गया, सबसे पहले इसको मीटर में करने के लिए, आप जानते हो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे भाई। चाहे तो आप 100 से भाग दे दो तब भी 5 आएगा, या माइंड में रखो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर तो 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर, कितने मीटर 5 मीटर हो गए। अब 50 मीटर ऑलरेडी मीटर में दिया गया है, इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि आपको टोटल आंसर मीटर में ही लाना है, तो ये 50 मीटर हो गया, 50 मीटर बराबर 50 मीटर। अब 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर को क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं, बिकॉज 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर हो जाएगा 1000 से गुणा करने पे 5 में। तो बात इतनी क्लियर। अब हमें टोटल मीटर बताना है तो ऐड कर लीजिए, यानी 5000 ये प्लस 50 कितना 5050 और 5 उसमें जोड़ दीजिए 5055, यही तो लिखा जाएगा 5055 मीटर। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, इसमें कुछ था ही नहीं ऐसा, केवल थोड़ा सा यूनिट का आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन सा यूनिट कन्वर्ट करने के लिए किस वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको ये ग्राफ तो पता होगा ना, जिसमें आप फर्स्ट क्या होता है किलोमीटर, देन आफ्टर क्या होता है हेक्टोमीटर एचएम होता है, देन क्या होता है डेकामीटर डीएएम, देन क्या होता है आपका मीटर, देन क्या होता है देन यहां पे होता है डेसीमीटर यानी डीएम, देन आपका क्या होता है सीएम और देन होता है एमएम। ये कन्वर्जन होता है। आपको कोई कहता है सर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर, कैसे 1 2 3 टाइम्स मूव कर रहे हैं ना, तो 3 जीरो के साइड में इंक्रीज करेंगे। ऐसे 1 किलोमीटर में कोई पूछता है कितने डेसीमीटर होंगे, 1 2 3 4 टाइम्स मूव कर रहे हैं इस कॉलम में, सॉरी इस रो में, तो आपका ये 1 4 जीरो 10000 मीटर, ये कन्वर्जन रूल होता है, आपने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। बात आती है पॉइंट नंबर 49 की, कौन सा क्वेश्चन हमें करना है अभी 49। एक संदूक की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, एक संदूक की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है तो इसका आयतन कितना होगा। अब संदूक की प्रत्येक कोर, संदूक कैसा होता है भाई, इसमें जो दिया गया है वो क्यूबिकल शेप की बात कर रहे हैं, क्यूबिकल शेप मतलब ये होता है जो घनाकार होता है ना, जिसमें जो प्रत्येक फलक होते हैं जो उसके फेसेस होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, स्क्वायर फेसेस होते हैं। ये संदूक है, ये संदूक है, इसके जो फेस कोर दी गई, कोर मतलब इसकी भुजा, इसके जो साइड दी गई है कितने दी गई है 3 मीटर, तो सारे 3 3 मीटर के होंगे, इसके ये भी 3 ही होंगे, लंबाई चौड़ाई सब ऊंचाई सब बराबर होती है इसकी, ठीक है 3 मीटर 3 मीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना आयतन, तो जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है क्या होता है LVH होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है LVH, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, तो यहाँ पे LVH इसी का यूज करेंगे। L कितना 3 मीटर, ऐसे 3 मीटर डी भी है, एच भी 3 ही मीटर है, ठीक है, एच भी कितना है 3 ही मीटर है, कुल मिला के 3 × 9 = 27 मीटर क्यूब, 27 मीटर क्यूब, 27 मीटर क्यूब, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। तो क्या कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी मैच भी कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली मैच कर रहा है इसमें, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, जब भी इससे रिलेटेड ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, क्यूब और क्यूबॉइड से जरूर एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ठीक है, तो बिल्कुल आप मिस नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। चले नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक आयत की लंबाई दिया क्या गया, एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दोगुना हो तो वर्ग की भुजा है। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दोगुना हो तो वर्ग की भुजा है। चलिए पहले आप देख लेते हैं, इन्होंने कहा एक आयत है,
ये जो आयत है इसकी लंबाई और चौड़ाई इन्होंने कितनी कितनी बताई है, 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इस आयत का जो क्षेत्रफल है एक वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी इसने कहा है यस, किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दुगना है, यानी जो दूसरा वर्ग है, यहाँ पे एक टेप और भी दिया गया है, यानी ये कोई वर्ग है, वर्ग मीन्स क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, आयत में उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, ये 16 सेंटीमीटर तो ये भी 16 सेंटीमीटर, ये 8 तो ये भी 8, ये वर्ग इसकी चारों भुजाएं बराबर, कह रहे हैं इसका जो क्षेत्रफल है इस आयत के क्षेत्रफल का दुगना है, यानी ये जो एरिया है इसका आएगा उसका ट्वाइस होगा। तो हम पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, यानी इस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इसकी कितनी 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी 8 सेंटीमीटर, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 128, 16 से कितना आएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया किसका, आयत का क्षेत्रफल। अब बात आती है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, प्रश्नानुसार वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल बता रहा था कि इस क्षेत्रफल का दोगुना है, जितना यहाँ आएगा उसी का दोगुना कर देते हैं, तो दोगुना करने का मतलब 2 × 128 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई कितना होगा, कितना होगा यहाँ से कितना होगा भाई 256 वर्ग सेंटीमीटर, 256 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आप ये भी तो जानते हो आयत का, सॉरी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, ये किसके बराबर होगा, भुजा के वर्ग के बराबर होगा, ये चीज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हमने निकाल लिया था इसका यूज करते हुए, लेकिन रियल फार्मूला क्या होता है, भुजा का वर्ग, यही तो होता है, तो हम इसके बराबर कर देंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट है ये इसके। अब देखो भुजा हमें निकालना है, तो भुजा निकालना है, यही तो निकालना था क्वेश्चन में, यही पूछा गया था भुजा, तो भुजा बराबर हो जाएगा आपका इसका, यहां से स्क्वायर रिप्लेस करेंगे तो यहां पे अंडर रूट आ जाएगा 256, और आपको बहुत बार निकाल के बताया गया 256 किसका वर्गमूल होता है, सॉरी 256 किसका वर्ग होता है 16 का, किसका 16 का, आप करके देख लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको निकालना आपको बताया गया इससे पहले की वीडियो में, ठीक है, तो यहां आपका आएगा 16 सेंटीमीटर, ये भुजा आ गया, भुजा आ गया। अभी क्या निकालना था हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या था भाई, वर्ग की भुजा है, यही निकालना ही था, वर्ग की भुजा है, आपने निकाल लिया ना, जैसा स्टेटमेंट था उसी का यूज करते हुए आपने यहाँ पे भुजा निकाला, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, क्या ऐसा कोई ऑप्शन भी मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है, तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 51 की बात, अभी इससे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया, 50 नंबर, चलिए आप 51 की बात कर रहे हैं, क्या नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन्होंने कहा स्टेटमेंट क्या है इसका, काजोल एक घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है एक घंटे में। अब इन्होंने कहा वह किताब को 1/5 घंटे में पढ़ती है, यानी इतने घंटे तक पढ़ जाती है उस किताब को, तो इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है, तो पहले हम ये निकालेंगे कि उसने वास्तव में पढ़ा, अगर इतने घंटे पढ़कर कितना भाग पढ़ लिया उस किताब का, ये पता चल जाएगा, तो पूरी किताब का कितने भाग है भाई, एक भाग है, एक भाग में से उस पढ़े हुए भाग को माइनस कर देंगे तो शेष भाग पता चल जाएगा, ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं। काजोल एक घंटे में पढ़ती कितना है, एक घंटे में वो पढ़ती है भाई कितना पढ़ती है, उन्होंने बताया 1/3 पढ़ती है, 1/3 भाग किताब का पूरा, 1/3 भाग, ठीक है, तो इन्होंने कहा 2 सही तो वह 2 सही 1/5 घंटे में पढ़ेगी, जितना 1 घंटे में पढ़ेगी उसी का इतना टाइम कितना गुना वो पढ़ जाएगी, 2 सही 5 1/5 गुना पढ़ जाएगी, जितना 1 घंटे में पढ़ती है, तो 2 सही 1/5 घंटे में पढ़ेगी, पढ़ेगी वो कितना पढ़ेगी भाई 1/3, और इसको हम सम्मिश्र भिन्न से क्या करते हैं, इंप्रॉपर में यानी कि अनुचित भिन्न में बदलेंगे, ठीक है, 5 × 10 = 11, ठीक है, 5 × 10 = 11/5,
मिक्स इम्प्रॉपर में कर लिया, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 एकम 11 और 5 से 15, यानी इतना भाग उसने पढ़ लिया भाई, तो शेष भाग कितना बचा हुआ पढ़ने को, शेष भाग यानी जो बचा हुआ है, शेष भाग बचा हुआ है बराबर पूरा कितना था, एक किताब एक भाग पूरा था, पूरी चीज कोई होती है तो एक ही तो होता है, उसमें से कितना पढ़ा गया 11/15 भाग पढ़ लिया गया, निकाल दो इतना, माइनस कर देंगे इतना तो आएगा क्या, आएगा क्या, यहां से 15 में से 11 यानी 4/15 भाग शेष रह गया जो पढ़ना है अभी इसको, 4/15 क्या कोई ऐसा ऑप्शन भी मैच कर रहा है, आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच कर रहा है, तो पॉइंट तो क्लियर होगा, हमने क्या किया पहले, पहले हमने देखा वो एक घंटे में कितना पढ़ती है, ठीक है उसने घंटे में 1/3 भाग पढ़ती है, फिर वो दो इसी के अकॉर्डिंग वो दो सही 1/5 घंटे में कितना पड़ जाएगी, इतना गुना पड़ जाएगी, यानी 1/3 × 5 × 10 और 11/5 टोटल मिला के 11/15 भाग पढ़ लेती है, तो शेष भाग एक में से माइनस करके निकाल लिया हमने, तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, चलिए क्या कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी तो हमारा मैच ही कर रहा है ना, तो बिल्कुल टिक कर दीजिए इसको, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बहुत इजी होता है बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना सब कुछ इजीली आप कर ले जाओगे, ठीक है कोई डाउट नहीं होगा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं 52 की, इसमें क्वेश्चन में 52 की बात कर लेते हैं, एक कमरा 12 मीटर लंबा है, अभी से मैंने इससे पहले मैंने 51 डिस्कस किया था, 52 की बात कर रहे हैं, एक कमरा 12 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 2 मीटर भुजा के वर्गाकार पत्थर के कितने टुकड़े बिछेंगे, ये है क्वेश्चन आपका, एक कमरा है, ये कमरा है मान लीजिए तो आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई दी गई, इन्होंने कहा लंबाई इसकी 12 मीटर है और चौड़ाई की बात किया इन्होंने कितना है 8 मीटर है, अब इस कमरे में क्या करना है, 2 मीटर भुजा के वर्गाकार पत्थर इसमें बिछाने, 2 मीटर भुजा के वर्गाकार पत्थर भुजाए तो कितने पत्थर इसमें बिछाए जाएंगे ये आपको बताना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो इस रूम का यानी इस कमरे का कुल क्षेत्रफल टोटल एरिया निकाल लो, ठीक है, और जो कुल क्षेत्रफल आएगा उस एक पत्थर के वर्गाकार पत्थर के क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल के इस कमरे के कुल क्षेत्रफल को भाग दे देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितने पत्थर उसमें बिछाए जा सकेंगे, ठीक है तो पहले निकालते हैं, चलिए पत्थर एक वर्गाकार पत्थर की जो भुजाई सॉरी जो भुजा की माप दी गई है वो कितनी दी गई है 2 मीटर, ये वर्गाकार पत्थर है जिसकी भुजा की माप दी गई है 2 मीटर, ठीक है इसी को इसमें बिछाया जाना है, इसी को क्या करना है लाइन करना है, ठीक है चलिए पहले हम क्या करेंगे इस कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल भाई आयताकार कमरे का क्षेत्रफल है कितना, ये अर्थ है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी इसकी 12 मीटर, चौड़ाई कितनी 8 मीटर, कुल मिला के कितना आ गया 96 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर 96 मीटर स्क्वायर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आप क्या करो एक पत्थर का भी निकाल लो, इसी तरह पत्थर का भी क्षेत्रफल, अब वो क्या करेंगे एक वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल, वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल भाई, वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल की बात करना तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का वर्ग, अभी हमने बताया इससे पहले के क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का वर्ग, तो भुजा का वर्ग इसमें भुजा कितनी है 2 मीटर, इसी का वर्ग कर दो यानी किसी का 2 बार गुणा कर दो, वर्ग मतलब क्या होता है किसी संख्या का 2 बार गुणा कर देना उसी से है ना, ठीक है तो यहाँ से 2 × 4 मीटर स्क्वायर आ गया, तो बात इतनी तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, चलिए अतः कमरे में क्या, अतः कमरे में बिछाए जाने वाले पत्थरों की संख्या, बिछाए जाने वाले पत्थरों की संख्या भाई, बिछाए जाने वाले पत्थरों की संख्या की बात करें तो क्या करना है, बिछाए जाने वाले पत्थरों की संख्या, इसमें संख्या की बात करना है तो हम कुल क्षेत्रफल में कमरे के कुल क्षेत्रफल में एक वर्गाकार पत्थर के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे 96 डिवाइड बाय
इसका आ गया चार, तो चार से भाग दे दो इसको, चार एकम चार और चार दुनी आठ और यहां से 16, चार सौ सोलह, यानी कितने पत्थर उसमें बिछाए जा सकते हैं कमरे में, 24, कितने 24। क्या कोई ऑप्शन भी मैच कर रहा है? बिल्कुल करना चाहिए, आपने किया है ना इतना ईमानदारी से, तो बिल्कुल करेगा। चलिए ऑप्शन नंबर, हाँ हमने 52 ही तो डिस्कस किया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है आपका, देख पा रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यस बेटा, अभी अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करना है। इसमें चेक क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 53 में आपका, क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए, अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपए वापिस करता है तो उसे कितने रुपए उधार लिए थे। अब क्या क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में देखो, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 15%, और क्या दिया गया है, 3 साल इन टाइम इसमें दिया गया, 3 ईयर, आप देख पा रहे हो टाइम कितना है 3 ईयर की बात क्या, और वो अब 3 साल बाद वापस कितना करता है, 7,250 रुपए यहाँ पे बताया गया है, और जो वापस दिया जाता है लिया जाता है ब्याज सहित, वो आपका मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है, यानी अमाउंट पता है, टाइम पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, और जो स्टार्टिंग में लिया या दिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, मूलधन, हमें मूलधन निकालना है, उसने कितने रुपए उधार लिए थे। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन्हीं टर्म्स का यूज करेंगे जो यहाँ पे नोन है, आपका पता है। चलिए पहले क्या दिया गया भाई, ए दिया है, सबसे पहले ए राइट कर लेते, 7,250 रुपए ये बताया गया है इसमें, ठीक है, 7,250 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 15% वार्षिक यानी पर एनम, ठीक है, टाइम कितना दिया गया है, 3 ईयर की बात किया गया है, 3 सालों के लिए दिया गया था, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल, मूलधन, ठीक है। अब हमें मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालेंगे कैसे, इसके लिए आप जानते हो पहले जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है अमाउंट के लिए, मिश्रधन के लिए, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज, यानी अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, आप देखो यहां से ए इक्वल टू पी प्लस एसआई हो गया, हमें क्या निकालना भाई, पी ही तो निकालना है, तो पी को क्या करते हैं, लेकिन एसआई भी तो नहीं पता है ना, पी और एसआई दोनों ही आपके अननोन वैल्यूज हैं, केवल यहां पे क्या पता है, ए पता है, तो ठीक है, पी प्लस एसआई इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे, जो अमाउंट दिया है 7,250, कितनी बातें क्लियर, ये दिया गया है पी प्लस एसआई 7,250, चलो एसआई हम निकालते हैं, एसआई क्या होता है, पी आर टी डिवाइड बाय 100, एसआई की वैल्यू रखें तो क्या रखेंगे, एसआई इक्वल टू हम रखेंगे पी आर टी, यहां से ना राइट करके हम यहां राइट कर दें, सात हजार दो सौ पचास, आप क्या करेंगे देखो, हम क्या निकालना है, हमें निकालना भाई प्रिंसिपल ही तो निकालना, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम पहले एसआई का फॉर्मूला यूज करेंगे, एसआई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एसआई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाय 100, तो यहां पे एसआई को भी हटाऊं, यानी पी प्लस पी आर टी डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 7,250, ये तो पॉइंट आपका क्लियर होगा, हमने एसआई को भी हटा दिया क्योंकि एसआई आपका पता नहीं था। चलो इन दोनों में क्या चीजें हैं जो है सेम एक जैसी है, पी है कॉमन है तो इसको निकाल लेते बाहर, अब यहां बचेगा 1 प्लस, या नहीं आपको अर्थ समझ आ रहा तो क्या करेंगे आप, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पी नहीं पता चलो पी ऐसे रख देते हैं, प्लस पी अभी भी नहीं पता, आर कितना दिया गया था यहाँ पे, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 15%, टाइम कितना 3 ईयर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 7,250 यानी 7,250, ठीक है, अब ये कर लिया इतना, अभी क्या करना है भाई, पी की तो वैल्यू निकालनी है, पी चलो अननोन है तो क्या करेंगे 100 से इसको गुणा कर देंगे,
ऐसे तो भिन्न सॉल्व करते हो, अगर आपको सॉल्व करना होता 1 बाई टू प्लस टू तो कैसे करते, 2 टू जा इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू जा 4 प्लस 1, 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 बाई 2 समथिंग जो भी आता है ना, ऐसे इसको भी करेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई पी इक्वल टू क्या आएगा 100 पी प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 × 45 पी, पी के टर्म में ही आएगा 15 × 45 पी बरा बटे में कितना, बटे में 100 होगा ये जाके गुणा हो जाएगा, कर दे डायरेक्ट समझ में आएगी बात, यहाँ से 100 आएगा जाके उसके साथ गुणा हो जाएगा यहाँ से हटा देते क्या हो जाएगा 7,250 × 100। बात इतनी क्लियर है, चलिए ये क्या हो जाएगा पी एक्स मतलब यहाँ पे 100 पी है और 45 और जुड़ जाएगा इसमें 145 पी हो जाएगा, 145 पी बराबर 7,250 का 100 से गुणा कर देंगे तो और डबल जीरो बन जाएगा, ठीक है क्या आ जाएगा 7,25,000। अब टोटल आंसर इधर क्या आ गया अर्ज में 7,25,000, ठीक है। अब हमें पी तो निकालना, पी यहाँ पे 145 इसके साथ किस में मल्टीप्लाई में गुणा में है तो उसके उधर जाके आरएसएस में क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी पी इज इक्वल टू निकालेंगे ठीक है अभी क्या करना पी इज इक्वल टू निकालेंगे तो पी इज इक्वल टू आएगा 7,25,000 भागे 145 बटे में कितना हो जाएगा 145 चलो 145 से भाग दो और कुछ नहीं करना डायरेक्ट 145 से सिंपलीफाई करने में ना जाइए आप डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए आसानी से हो जाएगा। कितनी बार जा सकते हैं पहले 145 हमारे पास 725 है देखो यहां से अगर हम 14×5=70 यानी 140 का पहाड़ा पड़ते 5 बार तो 700 के करीब होता लेकिन 500 और जुड़ा हुआ ना तो 525 हाँ सही तो है 725 को आ जाएगा 700 पहले ही आ जाता है 140 का पहाड़ा पड़ने पे ये टेबल उतना टाइम रीड किया जाता तो हम कितनी टाइम जाएंगे 5 टाइम यहाँ से 145 और 5 का गुणा करेंगे 525 के 5 525 के 5 और 5×20 22 के 2 5×5 और 2×7 भाई इतना ही आएगा 725 कैंसिल हो जाएगा 725 ही कैंसिल हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे 000 तो 000 यहाँ भी बढ़ा देंगे और एक एक जीरो कैंसिल करते जाएंगे कुल मिला के कितना आ जाएगा 5,000 कितना आएगा इसको डिवाइड करने पे 5,000 यानी प्रिंसिपल जो आपका आया इज इक्वल टू 5,000 रुपीज यानी स्टार्टिंग में कितना लिया गया था उधार 5,000 रुपए तो ये आपको बातें समझ में आई होंगी हमने क्या किया सारे पॉइंट को पीआरटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया आपको यहाँ पे क्या गिवन था अमाउंट मिश्र धन रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम और ये अननोन था पी हमने दो फार्मूला का यूज किया जो बेसिक फार्मूले होते हैं इनके सबसे पहला फार्मूला हमने यूज किया मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज इस फार्मूले का यूज किया ठीक है हम जानते हैं अमाउंट इसको टू पी प्लस एस आई इसी फार्मूले को यानी पी प्लस एस आई बट अमाउंट तो आपका गिवन था यहाँ पे दिया गया था इतना 7,250 यानी इस पी प्लस एस आई को 7,250 के बराबर कर दिया। अब क्या क्या हूं हमने देखा इसमें दोनों ही अननोन लग रहे हैं पी भी नहीं पता और एसआई भी नहीं पता है ना तो हमने कहा इसका फॉर्मूला तो हमें आता है ना हम क्या करेंगे एसआई को पी के टर्म्स में ले आएंगे तो यहां से एसआई का जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है पी आर टी डिवाइड बाई 100 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 यहां से एसआई को भी हटा दिया वही बात किया हटा दिया रिप्लेस कर दिया यहां से पी आर टी डिवाइड बाई 100 बस अब सारी चीजें केवल पी को छोड़कर बाकी सब नोन है यहाँ पे पता है तो पी को हमने पी ऐसे रहने दिया पी ऐसे रहने दिया आर 15 टी 3 और बटे में 100 बराबर 7,250 तो पी सब करने पर आपका आ गया पी बराबर कितना 5,000 तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए क्या कोई ऑप्शन भी मैच कर रहा है चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में हमारे क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली मैच कर रहा है कौन सा ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा है ठीक है यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत होगा आप देखो इसमें इन्होंने कहा यदि विक्रय मूल्य
ये क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ तीन गुना हो जाता है, तो लाभ कितना होगा। अब ऐसे कंडीशन में करना क्या है, आपका जो स्टेटमेंट है विक्रय मूल्य दोगुना होगा तो लाभ तीन गुना हो जाएगा, कुछ और चीजें बताई नहीं गई, केवल स्टेटेड है जितने अगर डबल में बेचा जाता है तो लाभ उसको तीन गुना होता है, थ्री टाइम्स का उसको गेन हो जाता है जितना गेन पहले होता था, यानी परसेंटेज गेन बताना, गेन परसेंटेज बताना लाभ प्रतिशत। ऐसे में क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, मान लेंगे भाई कुछ भी नहीं पता ना इसमें, आपका विक्रय मूल्य पता है ना आपका लाभ प्रतिशत पता है ना क्रय मूल्य पता है, तो ऐसे कंडीशन से सब कुछ मानना ही पड़ेगा, बिना माने तो कर नहीं सकते, तो दो चीजें मानेंगे इसमें। मान लेते हैं, माना सीपी कितना होगा उसका, भाई सीपी मान लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, खरीद कर कितने में लाया गया होगा, 100 रुपए में लाया, ऐसा जनरली मान लेते हैं, ठीक है। एक्स भी मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई के टर्म्स भी माना जाता है, लेकिन दो दो वेरिएबल आ जाएंगे इसलिए हमने एक को डिजिट में मान लिया 100 रुपए में। और इसमें मान लेते पहले 100 रुपए पे खरीद कर कोई वस्तु लाई गई और इस पे लाभ यानी गेन कितना लिया गया, गेन रुपीज एक्स लिया गया, पहले 100 रुपए में खरीद कर लाई गई थी और लाभ कितना लिया गया, एक्स रुपए का उस पे लाभ लिया गया, तो बेचा कितने में गया होगा, इनिशियल यानी शुरुआत में उसको स्टार्टिंग में कितने में बेचा गया होगा, क्रय मूल्य धन क्या होता है, लाभ गेट होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ सीपी प्लस गेन 100 प्लस एक्स, यानी इतने रुपए में बेच दिया गया होगा, ये एसपी रहा होगा स्टार्टिंग में। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशनली कुछ बता रहे हैं कि अगर आप इसके विक्रय मूल्य को दोगुना कर देते तो लाभ आपका तीन गुना हो जाएगा, यानी अगर डबल में सेल किया जाए जितने में बेचा जा रहा था, इतने में बेचा जा रहा ना स्टार्टिंग में 100 प्लस एक्स, अब इसी को हम डबल कर दे तो आपका जो गेन है ये गेन ये 3 टाइम हो जाएगा। चलो जैसा क्वेश्चन कहता वैसा काम करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न के अनुसार हम करते हैं, प्रश्न के अनुसार करेंगे, यहाँ पे इसको डबल कर देते हैं क्या, प्राइस ऑफ एसपी यानी जितना भी बेचा जा रहा था प्राइस ऑफ एसपी इज इक्वल टू गेन के उस समय कितना हो जाता है, गेन 3 टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स गेन हो जाता है, लेकिन कब होता है ये प्राइस ऑफ एसपी माइनस सॉरी प्राइस ऑफ एसपी, देखो आपको गेन निकालना होता है तो गेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि जितने में बेचा गया है उसको उसमें से उसके खरीदे हुए दाम को निकाल देंगे तभी तो हमें पता चलेगा लाभ, यानी अगर इस लाभ के बराबर दिखाना है तो मिलाकर देखो 2 × 100 + x इतने में बेचा जा रहा है भाई, डबल कर दिया गया एसपी को, एसपी को कितने में कर दिया गया डबल, तो लाभ कितने का होता है 3 गुना, लेकिन लाभ निकलेगा कैसे, इस बेचे हुए मूल्य में से यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओ, 100 रुपए में खरीद कर आया हुआ सामान इसमें से 100 रुपए माइनस कर दे, एसपी माइनस सीपी, अब जो लाभ हो रहा है वो 3 गुने का हुआ है, 3 गुने का मतलब पहले एक्स का हुआ था अब कितने का हो रहा है 3x का हो रहा है, इतनी पॉइंट क्लियर, डबल में सेल किया गया तो लाभ कितना आ गया 3 का, ये लाभ कैसे निकला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ डबल में बेचने पर, चलो डबल किया गया तो दोनों में गुणा करेंगे ना इसका, ये 2 दोनों में ब्रैकेट के इंक्लोज है तो इसको हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 × 100 कितना हो जाएगा 200, अरे 2 × 100 200, 2 × x यानी 2x बराबर आपका माइनस का 100 बराबर का 3x। चलिए अभी क्या करेंगे, हम 200 में से 100 चला जाएगा तो बताइए 100 ही बचेगा यहाँ पे, और ये 3x इधर है, ये 2x भी, ये भी बराबर ट्रांसफर उधर माइनस उधर ट्रांसफर कर देते हैं आरएचएस में, तो प्लस जाके इधर क्या हो जाएगा माइनस 2x, अभी क्या बचेगा उधर, उधर 100 बराबर एक्स, 100 बराबर क्या आ जाएगा 3x में से 2x निकलेगा x, यानी अगर वस्तु जितने में खरीद कर लाई वो 100 रुपए तो हमने जनरली मान लिया था, कोई जरूरी नहीं 100 रुपए में ही खरीद कर लाई गई होगी, 100 रुपए में कोई जरूरी ही नहीं है कितने में ही खरीद कर लाई गई होगी, ठीक है, लेकिन जितने में खरीद कर लाई गई होगी उतने ही बराबर लाभ लिया गया है, तो बराबर कितना 100 आया है, तो इसका मतलब लाभ प्रतिशत कितना होगा 100% क्या होगा, चलिए मैं करके दिखा देता हूं आपको, गेन परसेंटेज कैसे निकालते हो, गेन परसेंटेज इसको टू था गेन डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100, गेन भाई स्टार्टिंग में गेन कितना मिलता था उसको x का, लाभ कितना होता था x का,
और पीपी हमने माना कितना था, खरीद कर कितने में आया हुआ था, 100 रुपए में, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। चलो एक्स लेकिन हमने फाइंड क्या किया, एक्स बराबर कितना 100 आ गया ना हमारा, तो यहाँ भी 100 रख देंगे, 100 को कट कर देंगे और यहाँ बचेगा कितना 100%, यानी एक्स बराबर आ गया 100%, यानी गेन प्रतिशत कितना हो गया 100%। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्या ऑप्शन भी कोई मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ऑप्शन में भी एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, गेन परसेंट आपका 100% आ गया, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा क्वेश्चन दिखने में थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन आप क्वेश्चन के साथ कैरी करेंगे तो फिर इजिली हो जाता है, हमें कुछ भी पता नहीं था, हमने ठीक है मान लिया, थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए था। आप ऐसा नहीं करेंगे कि एसपी मान लेंगे, एसपी मान लेंगे तो भाई अब स्टार्ट कहां से करेंगे, जो भी चीजें जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सीपी पे होता है, लाभ हानि कुछ भी होता है तो किस पे होता है, क्रय मूल्य पे ही होता है। ठीक है, तो वहां से आपको ये जानने के लिए पहले हमने क्रय मूल्य से स्टार्ट किया, हाँ गेन भी नहीं पता था, गेन भी मान लिया, चलो गेन भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर करके, उसके बाद अब आप इसके आगे जैसा क्वेश्चन कह रहे हो वैसा हम कैरी करते जाएंगे क्वेश्चन को और आपका जो आंसर वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन नंबर, इससे पहले हमने आपका 53 डिस्कस किया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 54 डिस्कस किया गया है, चलिए 55 की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया गया, स्टेटमेंट क्या है, 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे गए तथा 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, प्रतिशत लाभ है, प्रतिशत लाभ है, 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे गए, 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए हैं, प्रतिशत लाभ बताना हमें। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, कुछ करना नहीं है आपको, चलिए थोड़ा सा माइंड का यूज करना है, इसमें आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, टोटल यानी कितने में खरीद कर लाया गया है और टोटल कितने में बेचा गया है, तो प्रतिशत लाभ पता चल जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से ही लाभ और हानि का हम डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां से आप पहले क्या करेंगे, देखो करेंगे क्या, यहां से क्वेश्चन है, 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे गए थे, यानी 100 संतरों का 100 सीपी ऑफ 100 ऑरेंजेस, यही तो है सीपी ऑफ 100 ऑरेंजेस, सीपी ऑफ 100 ऑरेंजेस, ऑरेंज सॉरी ऑरेंज इज इक्वल टू कितना गिवन है भाई, 400 रुपए, यहां दिया गया है 400 रुपीज, 400 रुपए में खरीद कर लाए गए थे 100 संतरे, अब इन 100 संतरों को बेचा कितने में गया, 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा गया है, तो एक दर्जन की कीमत यानी एसपी ऑफ वन डोजन, एसपी ऑफ वन डोजन ऑरेंज इक्वल टू है ₹60, यानी एक दर्जन बेचे कितने में गए हैं, 60 रुपए में बेचे गए हैं, तो हम क्या निकालेंगे, एक दर्जन 60 रुपए में बेचे गए तो एक एसपी ऑफ वन ऑरेंज, एसपी ऑफ वन ऑरेंज, आप जानते हो एक दर्जन में 12 होते हैं, कोई भी होता है 12 यूनिट होता है, चाहे कुछ भी हो, केला ले लो, संतरा ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, तो आप कुछ भी लेंगे तो 12 ही मिलेंगे एक दर्जन में, तो एसपी ऑफ वन ऑरेंज, वन ऑरेंज इज इक्वल टू 60 से 12 को भाग दे देते हैं 5 रुपए, यानी एक संतरा कितने का बेचा गया है 5 रुपए में, ₹5 में सेल किया गया है एक संतरे को, अब ऐसे 100 ऑरेंजेस को सेल किया गया, तो एसपी ऑफ 100 ऑरेंजेस, यानी 100 संतरों का विक्रय मूल्य एसपी ऑफ 100 ऑरेंजेस। ठीक है, 100 संतरों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 100 गुणे एक का 5 रुपए में बेचा जाएगा, तो 100 को 5 गुणे 100 यानी 500 रुपए में बेचा जाएगा, कितने रुपए में बेचा जाएगा, 500 रुपए में बेचा जाएगा, खरीद कर कितने का लाया गया था, 100 संतरे
₹400 में, बेचा कितने में गया ₹500 में, तो लाभ कितने का हुआ ₹100 का। लाभ तो निकालना है ना, तो लाभ पहले लाभ गेन तो निकाल लो, गेन निकाल लेंगे तो गेन परसेंट भी पता चल जाएगा। अभी फार्मूला मैंने यूज किया था इससे पहले के क्वेश्चन में, गेन इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 यानी एसपी माइनस सीपी ऑफ होल ऑरेंजेस, ठीक है। ₹400 इसमें से घटा देंगे भाई, ₹100 का इसको लाभ हुआ है, कितने का ₹100 का। अब ये लाभ प्रतिशत निकालना है, एक चीज अभी आया है लाभ प्रतिशत, चलो लाभ प्रतिशत भी निकाल कर दिखा रहे हैं, लाभ प्रतिशत यानी गेन परसेंट, ठीक है। गेन परसेंट कैसे निकालेंगे, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन कितने का भी फॉर्मूला हमने बताया था, गेन अपॉन सीपी इन 200, ये लाभ बटे विक्रय मूल्य जुड़े 100। सौ सीपी कितने में खरीद कर आए थे, 100 हम ₹400 में गुणे किस मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से ही करेंगे, किससे करेंगे 100 से ही करेंगे, यहाँ पे ₹100 का लाभ हुआ था इसको, ₹400 में खरीद कर आया था और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, यानी देखिए 000 कैंसिल, 100/4 कितना हो गया 25, भाग दो ना 100 को 4 से, कितना आ गया 25%, ये लाभ प्रतिशत हो गया 25%, लाभ प्रतिशत कितना आ गया 25%। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, देख पा रहे हो आप लोग ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है ना, बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, किसकी 56 की, चलिए नेक्स्ट पॉइंट 56 की बात करें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जनरली से आप जनरली बात जानते हो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। दो सबसे जो दो होती है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब कोई ये पूछता अभाज्य क्या है, सर जी अभाज्य आपने बता दिया डायरेक्ट दो है, अभाज्य होती क्या है, जिसके फैक्टर यानी गुणनखंड दो ही होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ये फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या होता है, जो संख्याएं केवल अपने आप से कटती हैं और वन से कटती है, जिसको केवल एक और उस संख्या स्वयं से विभाजित किया जा सकता, किसी और से नहीं विभाजित किया जा सकता, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, इन्होंने और भी ऑप्शन दिए थे, 0 नहीं, 0 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये एक यूनिक नंबर होता है, 1 भी ऐसे ही होता है, 3 एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य है लेकिन 2 से बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए पॉइंट नंबर 57 की बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 57 इसमें क्या है, पॉइंट नंबर 57 में कह रहे हैं 11 इकाइयां और क्या है, 11 इकाइयां 11 दहाइयां और 11 सैकड़े बराबर है भाई 1100, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है, तो क्या बोलते हैं 1100, 1110 और 111, इन्हीं को ऐड करना है, ऐड करना है तो इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और क्या, चलो या आप क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो प्लेस वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 11 सैकड़ों की बात कर लें, 11 सैकड़े, 11 सैकड़े किसके बराबर होंगे, सैकड़े यानी 100 प्लेस की बात है ना, तो 11 सैकड़े तो 11 गुणे 100 हो गया, ये 100 प्लेस की बात है तो 100 से गुणा कर देंगे, इसमें 1100 आ गया, कितना आ गया 1100, ठीक है, यानी ₹1100 हो गया, रुपए या कुछ भी हो, ये तो नंबर है, 1100 हो गया। बात अभी 11 दहाइयों की, तो 11 दहाई यानी 10th प्लेस की वैल्यू है, 11th 10th यानी 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो 11 गुणे 10 110 हो गया, 11 इकाइयां है ऐसा समथिंग दिया गया ना, 11 इकाइयां, 11 इकाइयां मतलब आपका 11 गुणे 1 वन प्लेस की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ही करेंगे, तो 11 1 11, आप क्या करेंगे तीनों वैल्यू को जोड़ दीजिए, इन्होंने प्लस करने के लिए ही बोला है, इन तीनों को प्लस कर दीजिए, 1100 प्लस 110 प्लस 11, देखो जोड़ने पर क्या आएगा, 1100 प्लस 110 कितना हो जाएगा भाई 1210, और इसी में 11 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1221, कितना आ जाएगा 1221। क्या ये पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए ना, जो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, जैसा स्टेटेड था कुछ तरह सही कर दिया गया, ठीक है।
आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन की? 58। इसमें क्या दिया गया है? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया गया है? 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। प्लेस वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है। अब प्लेस वैल्यू क्या भी? ये होता है वंस प्लेस, यानी इकाई का स्थान होता है। फिर क्या होता है? टेंथ प्लेस। फिर क्या होता है? हंड्रेड प्लेस। फिर क्या होता है? थाउजेंड। फिर होता है 10,000। ऐसा ही तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आपने पढ़ा होगा, है ना, क्लास सिक्स और फोर्थ में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इस चीज को। तो इसमें किसी को डाउट नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। सात हजार पांच सौ साठ में पांच और 70,560 में पांच और छह के स्थानीय मान निकालेंगे। पांच और छह के स्थानीय मान, पांच का स्थानीय मान ये 100 प्लेस पे तो 500 हो जाएगा, और छह की बात करो 10th प्लेस पे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के स्थानीय मान निकल गए। अब क्या करेंगे? गुणा कर देंगे दोनों का गुणनफल। गुणनफल वही कह रहे हैं, तो गुणनफल निकालने के लिए क्या करोगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। 60 मल्टीप्लाइड बाई 500 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3000। कितना होगा? 3000। ठीक है, तो ठीक है ना, इसमें किसी को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। बस तो जो हमने क्या किया, स्थानीय मानों को निकाल के मतलब मल्टीप्लाई कर दिया गया, और मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया? 3000। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली मैच कर रहा है। चलिए अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 59 की। कौन से क्वेश्चन की? 59 की। ठीक है, अब 59 की बात करेंगे, तो आइए चलते देखते हैं इसको भी। इन्होंने कहा संख्याओं 12, 14, 16, 18 में से कौन सी उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 अनुपात है? क्या है क्वेश्चन स्टेटमेंट? संख्याओं 12, 14, 16, 18 में कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 अनुपात है? ये कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम लग रही है बेटा क्वेश्चन में। 12, 14, 16, 18 में कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 अनुपात है? भाज्य एक तरफ 16 अनुपात बता रहा, फिर कौन सी संख्या इसमें भाज्य होगी, वही फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इस क्वेश्चन में लैंग्वेज प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको हम देख लेंगे, देन आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संख्याओं 425 और 476 का महत्तम समापवर्तक है। 425 और 475 का, नो, 476 का महत्तम समापवर्तक है। 425 और 476 का महत्तम समापवर्तक है, यानी एचसीएफ फाइंड करना तो निकाल लेते हैं ना। एचसीएफ क्या करोगे भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने सीखा है, या डिवीजन मेथड, या कॉमन फैक्टर मेथड, कई सारे तरीके हैं, तो आप इसमें से कोई भी एक यूज करते हुए निकाल सकते हो। चलो 425 को काटेंगे किससे? 425 को हम काटेंगे भाई 5 से, या 3 से काटो, 5, 2, 7, 4, 11, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो। 5 से काटेंगे तो 5, 8, 40, फिर 25 हो गया, 5, 25, फिर 17, 5 से कट करेंगे तो 5 से 5 कम 5, फिर 35, 7, 25, यानी यहां से क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17। अब अच्छा दूसरी संख्या क्या है भाई? दूसरी 476 दी गई है, तो दूसरी 476 को यहां से करेंगे 476। चलो यहां पे ये क्या है, गिवन नंबर है, ठीक है, सम संख्या आपको दो से काटना शुरू कर देते हैं। दो से काटेंगे, दो गुना चार, फिर यहाँ से 3 गुना 6, फिर 8 गुना 16, ठीक है, दो से अगेन कट करते हैं, 2 कम 2, 2 कम 2, 9 गुना 18, फिर दो से नहीं कटेगा, आप से दो से क्यों कटेगा नहीं, आप किससे काटेंगे इसको? 7 से काटेंगे। 7 से काटने पर क्या आएगा? 7 एकम 7, 11 है ये, है ना, ये दोनों मिला के 11, 7 एकम 7 और 4 49, यानी 17, 7 से 49, फिर कितने 17 से ही कटेगा, 17 एक प्राइम नंबर है, किसी और से कटेगा ही नहीं,
17 कम 17। अब देखो 17 17 ये कॉमन हो गया। एचसीएफ मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन टर्म्स होते हैं उन्हीं को, यानी कॉमन फैक्टर्स होंगे वही इसका एचसीएफ होगा। तो दोनों में क्या 17 के अलावा भी कुछ चीजें कॉमन है? नहीं, यहाँ पे 7 2 2 है, यहाँ 5 5 के फैक्टर्स हैं, तो हम कह सकते हैं सर 17 के अलावा कोई इसमें और कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो 17 इसका एचसीएफ हो जाएगा। मैक्सिमम सम ऑफ परफेक्ट, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 7, ऑप्शन नंबर सी। एग्जैक्टली आपका मैच करा तो यही करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। ओके।